सदर थाना पुलिस ने लूट अपहरण मारपीट के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी ताहिर खान को बापर्दा गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि परिवादी शाहनबाज निवासी नूह मेवात ने थाने पर 13 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दी कि मेरा दोस्त आमिर निवासी नूह की पत्नी सानिया अस्पताल में भर्ती थी और उसका ऑपरेशन हुआ था, जिसके समाचार पूछने के लिए मसीम मुनफेद अस्पताल पहुंचे थे। उस समय करौली का बाग निवासी शाहजाद भी वहां पहुंचा और उसने आमिर वसीम और मुनफेद से संपर्क साध लिया और तीनों को अपने गांव करौली का बाग लेकर जा रहा था। तभी करौली के बाग के समीप कार आगे लगाकर शाहनवाज मुनफेद और वसीम को गाड़ी में पटक लिया और पहाड़ी में ले जाकर आरोपी ताहिर शाहरून गोपाल सिंह नरेंद्र सिंह और शहजाद ने उनके साथ मारपीट कर 6,000 रुपए और आधार कार्ड मोबाइल फोन लूटकर और मोबाइल से करीब 40,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। तीनों को बंधक बनाकर बटोली के जंगल में पटक कर चले गए, जिस पर पुलिस ने मारपीट अपहरण लूट का मामला दर्ज किया। पुलिस ने पूर्व में आरोपी शहरून गोपाल सिंह नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आज ताहिर को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। अभी शहजाद फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 13/7/2021 को परिवादी ने अपने साथ मारपीट करने, अपहरण कर ले जाने और लूटने के संबंध में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 3 मुलजिमों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। उसमें वांछित चल रहे इनामी अपराधी ताहिर सनौत जोहरू मेव निवासी कारोली को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। जिसको बापर्दा किया है, हाँ, इसको बापर्दा गिरफ्तार किया गया है, इसकी कार्रवाई शनाख्ती कराई जाएगी।